दोस्तों आज हम जानेंगे कि कैसे आप सिल्वर मिनी पर ट्रेड कर सकते हो, यानी फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले दोस्तों डन एप्लीकेशन पर लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पर हमने लॉगिन कर लिया है, तो उसके बाद हमें दोस्तों स्लाइटली यहाँ पर स्क्रॉल करना होगा, ठीक है। यहाँ पर स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर देख सकते हो कि कमोडिटी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसमें हमें क्लिक करना होगा, तो करते हैं कमोडिटी पर क्लिक। तो कमोडिटी पर क्लिक करने के बाद देखा जाए तो यहाँ पर स्लाइडली हमें यहाँ से दिखना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि दोस्तों सिल्वर मिनी का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। पहले तो क्रूड ऑयल, उसके बाद नेचुरल गैस, उसके बाद सिल्वर्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो सिल्वर्स मिनी पर क्लिक करना होगा हमें। एंड दोस्तों यहाँ पर सिल्वर मिनी पर देख सकते हो यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सिल्वर मिनी पर देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो एक्सपायरी डेट देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है, अगस्त का, नवंबर का, फरवरी का, उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर अप्रैल का, ठीक है। एंड सिल्वर मिनी का जो फ्यूचर है ना वो यहाँ पर देख सकते हो, सिल्वर मिनी का जून का फ्यूचर ट्रेडिंग का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप चाहते हो नवंबर में तो यहाँ पर नवंबर पर क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगस्त को सिलेक्ट करते हैं, रिसेंटली जो कॉन्ट्रैक्ट है वो देखते हैं। तो अगर आपको ट्रेड करना है तो इसके ऊपर दोस्तों क्लिक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं इसके ऊपर। तो इस कॉन्ट्रैक्ट पर क्लिक करने के बाद उसके बाद दिखाई दे रहा है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि कितना बिडिंग लगा हुआ है एंड कितना दोस्तों सेलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सिल्वर मिनी पर बिडिंग ज़्यादा है एंड सेलिंग कम है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद अगर आप प्राइस अलर्ट लगाना चाहते हो तो यहाँ पर सेट प्राइस अलर्ट पर लगा के आप प्राइस अलर्ट जान सकते हो, ठीक है, प्राइस जान सकते हो। उसके बाद विश लिस्ट का ऑप्शन है, बास्केट का ऑप्शन है, देन यहाँ पर चार्ट, अगर आप चार्ट देखना चाहते हो तो यहाँ से आप चार्ट भी देख सकते हो। उसके बाद अगर आपको बाय करना है दोस्तों तो यहाँ पर बाय का ऑप्शन है, एंड सेल करना है तो यहाँ पर दोस्तों आप सेल का ऑप्शन पर क्लिक करके सेल भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख लेते हैं दोस्तों कि इसका मार्जिन कैसा है। तो मार्जिन से जान सकते हो कि आपको कितना मार्जिन पे करना होगा, कितना लेवरेज देना होगा, यानी कितना लेवरेज मिल सकता है, सब कुछ जानेंगे यहाँ पर। तो देखा जाए तो यहाँ पर आपको 11.25% आपको मार्जिन पे करना होगा, एंड लेवरेज देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर देख सकते हो 8.9x आपको लेवरेज मिल जाएगा। तो आपको मार्जिन कितना पे करना होगा पार लॉट पर वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है कि अगर आपको 15 मिनट्स का बुलेट आप देखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 15 मिनट्स का बुलेट आप, ठीक है, यहाँ पर देखो 15 मिनट का बुलेट आप आसानी से यहाँ से आप जान सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है डन एप्लीकेशन के थ्रू, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं लिंक दे दूंगा, आप बहुत ही इजीली अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो फ्री में दोस्तों, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते किसी नए वीडियो के साथ दोस्तों।